हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प यू। स्टडी हेल्प यू चैनल रे आउ एक नुआ भिडियो सहित स्वागत जनाऊँ मु महेश। पिलाने स्क्रीन रे देखि परथिबा आज आम आलोचना करिबा प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स पिलामानकर जो एजुकेशन सब्जेक्ट रही तार फर्स्ट चैप्टर आम पूर्व आलोचना करते लेक्चर फाइव बा पार्ट फाइव जाए आलोचना करते आज पार्ट नंबर सिक्स को आलोचना करिबा। जहाँ भी रही आपको डिटेल्स बुझेबी, जहाँ आप बुझि नपरिवे कमेंट बक्स में मतलब पचारि परिबे। डियर स्टूडेंट्स, जदि पार्ट वन ठारू पार्ट फाइव पर्यंत कौन सी वीडियो मिसिंग हो जाते आपड़ देखी ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक मुझे शेयर कर देती आपठाक जाकि देखिपर पे। आम पार्ट फाइव यपर्यंत आलोचना करें कि विभिन्न प्रकार जो शिक्षा आयोग था, महात्मा गांधी मतरे शिक्षार संज्ञा कौन, आउ रही कि अरविंद मतरे शिक्षार संज्ञा कौन, ए सब आम आलोचना करते पार्ट सिक्स परवर्ती नेक्स्ट जहाँ रही पेज को आम पढ़ी ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, एवं आम देखने कोठोरी शिक्षा आयोग कौन कही शिक्षा संपर्क में संज्ञा। ओके, कोठोरी शिक्षा आयोग 1964 1966 पर्यंत कार्यरत रही से कही कि शिक्षा मानवर जो आशा आकांक्षा और आवश्यकता रही पूरण करने सहित समस्त सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक परिवर्तन निमन्ते क्षेत्र प्रस्तुत करवा आवश्यक। ओके, शिक्षार ड्यूटी एया हवा उचित बा शिक्षार कर्तव्य एया हवा उचित, मनुष्यर जो आशा आकांक्षा और आवश्यकता रही सी पूरण सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक परिवर्तन पाई गोटे फील्ड प्रस्तुत करवा आवश्यक, माने क्षेत्र प्रस्तुत करवा आवश्यक। बुझिपाल कौथिपाई क्षेत्र प्रस्तुत करवा आवश्यक, समस्त सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किभली भाव में आम समाज में हो पार से गोटे फील्ड बा गोटे क्षेत्र प्रस्तुत करवा आवश्यक। सेटा किए कर शिक्षा कर आउ कौन शिक्षा कर मनुष्यर आशा आकांक्षा और आवश्यकता को पूरण कर पार्थ यह कहार मत, यह कोठोरी शिक्षा आयोग मत एवं कौन सब पाश्चात्य मत आसी आम गोटे गोटे देखने। एवं देखु आधुनिक क्रमवर्धिष्णु शिक्षा तथा शिक्षार विकास प्रक्रिया अनेकांशर पाश्चात्य सभ्यता उपरे निर्भर करथाय। पाश्चात्य सभ्यता उपरे मध्य आमर शिक्षा व्यवस्था मध्य बा शिक्षार विकास प्रक्रिया मध्य अनेकांशर प्रभावित होई निर्भर मध्य करिछि। शिक्षा संपर्क में केतेक पाश्चात्य चिंतानायकों मत निम्न प्रदान करा जायछि। बुझिपाल ना शिक्षा रिलेटेड बा एजुकेशन रिलेटेड केतेक पाश्चात्य चिंतानायक कौन कौन सब चिंता प्रकट करके विभिन्न प्रकार मत पोषण कर सब तले दिगला गोटे गोटे देखा कौन ताहा रही। ज्ञान जगतर पिता प्लाटों मतरे ठीक समय आनंद और विषाद अनुभव करार क्षमता को शिक्षा कह जाए। ज्ञान जगतर पिता कहाँ को कहुए प्रश्न आसो, ज्ञान जगतर पिता हूँ प्लाटो। से प्लाटो कौन कहते शिक्षार संज्ञा ठीक समय आनंद पाथ प्लेजर पाथ विषाद बा सैडनेस ताकि फिलिंग करवा अनुभव कर जो स्किलटा आप भितर जोटा डेभलप हम ताक कहते एजुकेशन बा शिक्षा। यह कहार मत, प्लाटो मतरे। प्लाटो को कौन कह जाए बहुत डिटेल्स मुझे कहूँ, ज्ञान जगतर पिता बोली कह जाए। भल भाव मन रख ता मत अनुसार कौन आसला ठीक समय आनंद एवं ठीक समय विषाद अनुभव करार जो क्षमता यदि आपण पाखे डेभलप है विकसित है तेल आम कहीपर आपण उपयुक्त शिक्षा पाई बोली। यह व्यक्तिर कौन कर शरीर एवं आत्मारे तार दक्षता अनुजाई समस्त प्रकार सौंदर्य एवं पूर्णता भरी दिए बा आनी थाए। पिले बुझिपाल ना यह कौन करे, यह आमर यही शिक्षा कौन कराए व्यक्तिर शरीर एवं आत्मारे दक्षता बहुत सृष्टि करे, से दक्षता अनुजाई समस्त प्रकार सौंदर्यता भरी दिए एवं पूर्णता भरी दिए। भल भाव बुझिपाल यह हूँ प्लाटो मत। तापर आम आलोचना करवा आरिस्टोटल मतरे आम कह सी जड़े हूँ विशिष्ट दार्शनिक एवं दार्शनिक को इंग्लीश रे कौन पिले कह जाए जदि जानते मत टे कमेंट बॉक्स रे जनइब दार्शनिक को इंग्लीश रे कौन कह जाए। आरिस्टोटल कौन कहती एक सुस्थ शरीर सह एक सुस्थ मन सृष्टि करने शिक्षा व्यवस्था निहाती दरकार। बुझिपाल एक शरीर सुस्थ शरीर आंड सुस्थ मन जदि ये दुईटा जाक आम भितर भल भाव गठित हो पारा आम भितर मेन्टेन हो पारा आम गोटे उपयुक्त शिक्षा पाई मैंने भावी नहीं पार। बुझिपाल ना ताले तांको मत अनुसार आरिस्टोटल कौन कहले एक सुस्थ शरीर सह एक सुस्थ मन गठन करने सृष्टि करने को शिक्षा कह जाए। यह व्यक्तिर कौन करे देख, यह व्यक्तिर विभिन्न प्रकार विभाग विशेषतः जमीक आमर मनशक्ति विभाग प्रभूत विकास साधन करें। बुझिपाल ना आमर जो मनशक्ति रही मनहयुक्त शक्ति मनर जो शक्ति रही पावरटा को डेभलप कराए विकसित कराए। बुझिपाल जद्वारा कि कौन हुए व्यक्ति संसार परम मूल्यबोध सत्य शिव सुंदर को हृदयंगम करने सहित एमु परम सुख को उपलब्धि कर समर्थ होइथाए। बुझिपाल कौन यह बुझौती आमको जाणी रखा हम पे जहाद्वारा कि कौन हुए
ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରର ପରମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ରହିଛି? ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର, ତାହାକୁ ସିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ। ମାନେ ଜଗତରେ କ'ଣ ଘଟିବା ବା ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣାକୁ ସିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମେ କହିପାରିବା ତାର ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଏସବୁକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା ପରମ ସୁଖକୁ ବା ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ପାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା କାହା ମତ ଅନୁସାରେ? ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ। ପିଲେମାନେ ଏବେ ଦେଖିନିଅ ପେସ୍ତାଲସି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼, ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି। ପେସ୍ତାଲସିଙ୍କ ମତରେ ମାନବର ବା ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଲେ? ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତର ହେଉ, ସୁସଙ୍ଗତ କିମ୍ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ରହେ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ପିଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ଉପକାରଟି ହୁଏ? ମଣିଷର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯେଉଁ ବିକାଶ ରହେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହର୍ବର୍ଟ। ହର୍ବର୍ଟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସିଏ ମତ ରଖିଲେ କି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଉପକାର ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ, ଶିଶୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ନୈତିକ ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ଉତ୍ତମ ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚରିତ୍ର ଗଠନର ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମେନ୍ ଏମ୍ଟା, ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଶିକ୍ଷାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଚରିତ୍ର ଗଠନ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ବିଲ୍ଡ କରେ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସନ୍ତୁଳିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବାଲାନ୍ସ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁହାଯାଇପାରେ କି ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ଼ ବିହେଭିଅର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯିବନି। ଆଉ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମଠାରୁ ଏଜେଡ଼ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନର ଯେଉଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିବା କଥା ତାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିଦେଇଥାଏ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କଲେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ବା ଚରିତ୍ର ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆଉ ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରୋବେଲ। ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୀଜ ବା ମାନବର ଜିନ୍ରେ ଲୁକାୟିତ ଗୁଣାବଳୀର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଜିନ୍ ରହିଛି ବା ଲୁକାୟିତ ଗୁଣାବଳୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ରେ ରହିଛି ତା'ର ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ବୀଜ ରହିଲା ବା ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜିନ୍ ରହିଲା ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ସିଆଣିଆ ହେବା, ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଚତୁର ହେବା, ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ହେବା, ସେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଥାଏ, ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହୁଏ ବା ଡିସପ୍ଲେ ହୁଏ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇଥାଏ, ସେହି ପରିପ୍ରକାଶଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଫ୍ରୋବେଲ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଶିକ୍ଷା ଏପରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ମାନବର ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତିଭାକୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ, ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ତାହାର ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇକି ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତା'ର ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣଟିକୁ, ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତିଭାଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଫ୍ରୋବେଲ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ପେନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ମତ କାହାର? ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ମତ। ଏବଂ ଏହା ଶିଶୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଫୁଲ୍ ହାପିନେସ୍ ବା ଫୁଲି ହାପିନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା କାହାର ମତ? ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ମତ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଥମ୍ସନ୍। ଥମ୍ସନ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଭାସ, ବ୍ୟବହାର,
चिंतन एवं दृष्टिभंगी रे आवश्यक स्थायी परिवर्तन को बुझेई थाए। बुझिपाल थम्सन कौन मत रखिले शिक्षा ताकू ही आमे कहिबा एहा द्वारा कौन हुए परिपार्श्विक प्रभाव द्वारा व्यक्तिर आभास हौ व्यवहार हौ चिंतन बा चिंता करिवार शक्ति हौ तार दृष्टिभंगी एही सबु दृष्टिभंगी रे आवश्यक स्थायी परिवर्तन माने कौन आस्ते आस्ते स्थायी परिवर्तन होइथाय कौन होइथाय स्थायी परिवर्तन देखा जाइथाय केतेबेले जेतेबेले भलो सी उपयुक्त शिक्षा पाए हला उपयुक्त शिक्षा पाइबा द्वारा तार आभास व्यवहार चिंतन दृष्टिभंगी रे आवश्यक होउथिबा परिवर्तन ए सबु देखा देइथाय जहाकि स्थायी रूप रे आज गोटे प्रकार व्यवहार चेंज हो जाए काली पुणी शिक्षा व्यवस्था द्वारा आ गोटे चेंज हो जाए आमर व्यवहार सब प्रकार चिंतन शक्ति ये सब चेंज हो ना आम भितर भल भल चिंतन आसीबो जेतला आमे उपयुक्त शिक्षा पाइबा एहा किए कहउचंती थम्सन कुहंती बा तांको मत अनुसार नेक्स्ट देखिबा आडम्स आडम्स को मत अनुजाई शिक्षा एक सतत जाग्रत सतत माने सबुबेले जाग्रत उद्देश्यमूलक प्रक्रिया एटा गोटे एम माने तार एम अछि लक्ष्य अछि उद्देश्यमूलक प्रोसेस गोटे प्रक्रिया जहाद्वारा कौन हुए जड़े व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकासधारा अन्य जड़े व्यक्तिर व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित होता है आपण मैंने एमती भी फलो करती ना गोटे पिलार भल अक्षर होटे पिला भल मैथ्रे भल मैथमेटिक्स करल इंग्लीश स्पीकिंग करंग्लीश में भल गोल अक्षर लिखिपारे आम फलो करती द्वारा मानने आम कौन कहीपारे अन्य जड़े व्यक्तिर व्यक्तित्व जो रही पर्सनालीटी रही द्वारा आम प्रभावित हेले जहाँफल कि आम भितर से इंटराक्ट कले डेभलप कले तार जीवनशैली को तार लेखाशैली को तार पाठपढ़ार शैली को आम भितर कौन कले भर्ती कले आम कह शिक्षा बोली यहाँ किए कहती मान यही मत किए पोषण करती आडम्स आडम्स मतरे यह एक सततः जाग्रत उद्देश्यमूलक प्रक्रिया जहाद्वारा मनुष्यर जड़े व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास धाराटी अन्य जड़े व्यक्तिर विकासर अन्य जड़े व्यक्तिर व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित अधिक मात्रा रे होइथाय एही प्रक्रिया उपयुक्त जोगाजोग और ज्ञानर आदान प्रदान द्वारा संभव होइथाय ताले एही प्रक्रियाटा एही प्रोसेसटा केतेबेले डेवलप होइथाय एही प्रोसेसटा केतेबेले फंक्शन भल भाबरे करे उपयुक्त भाबरे जोगाजोग जदि करिबा से पिला सहित कनेक्टेड रहिबा से भल जो पर्सनालिटी तार अछि ता द्वारा आमे प्रभावित होउछे माने ताकु भल भाबरे जोगाजोग रखिबा ता सहित भल टच रे रहिबा से केमिति लेखुछि कोन करूछि केमिति तार कलाठु से भल मैथमेटिक्स रे भल मार्क रखि पारूछि तार पर्सनालिटी को आम भितर आमे क्रिएट करिबा आम भितर से व्यक्तित्व को गढ़ी पारिबा ताले आमको कोन करिबा पडियो उपयुक्त जोगाजोग रखिबा को पडियो एवं ज्ञानर आदान प्रदान करिबो ता पाखरे जो ज्ञान रहिछि आपनको प्रदान करा जिवो एवं आपन पाखे जो ज्ञानटी रही प्रदान जहाँफल कि समस्ते समस्त जो व्यक्तित्व रही पर्सनालीटी रही द्वारा प्रभावित हे एक उपयुक्त शिक्षा पाइपर बुझिपाल पिले यह उपयुक्त जोगाजोग माध्यम द्वारा और ज्ञान आदान प्रदान करने द्वारा संभव होता है यह कत आडम्स मत तो परवर्त भिडियो आम आलोचना करवा नेक्स्ट जहाँ रही जाइए आज भिडियो आपको पसंद लगे जदि पसंद लगे लाइक करने सहित सब सांग सेयार कर दिंतु आम चेल जो टेलीग्राम चैनल तैयारी करा जाए सेथरे मध्य समस्ते जॉइन हो जातु तार लिंक मुझे शेयर कर देती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रोची पिले माने जय जगन्नाथ।